हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ मेघना और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। गुड इवनिंग, अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:30 बज रहा है। सो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पर है हमारा विहान और आज मैंने सुबह से गंदी बात सो आज मैंने सुबह से कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। 11:30 बजे हस्बैंड गए थे, फिर उसके बाद मैंने अपना जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो और फ्रिज को साफ किया था आज मैंने, और कपड़े भी मैंने वॉश किए हैं थोड़े से। अभी कुछ हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं, सूख गए हैं, उनको समेटूंगी। और क्या, आज मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए थे। कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने बोला कि खिचड़ी बना लो, कुछ ज़्यादा मत बनाओ, तो कल खिचड़ी बनाई थी। और यही सब चल रहा था तो आज मैंने सोचा कुछ हैवी हो जाना चाहिए, तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठा बनाया था मैंने। और आज मैं थोड़ा लेट करके नहाई थी तो मेरे बाल भी अभी थोड़ा थोड़ा गीले हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सूख गए हैं बट थोड़ा थोड़ा गीले हैं। और विहान को तो मैंने नहलाकर ही सुला दिया था, 12:30-1 बजे सुला दिया था, फिर उठ गया ये। अभी 3:30 बजे उठा है, 1 घंटा हो गया उठे हुए। फिर इसको दूध बना के दिया मैंने, दूध पी लिया इसको। हाँ, आज संडे है। सो यही सब चल रहा है और आज का आगे का क्या प्लान है, क्या है, कुछ भी नहीं पता है। इनको फ़ोन किया था, इनका फ़ोन अभी 3 बार मैं मिला चुकी हूँ, 3 बार बिज़ी आ रहा था, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ अपना नेल पेंट को चेंज करूँ, मेरे नेल्स बहुत गंदे लग रहे हैं अभी, तो मैं वो करूँगी। तो बस यही सब चल रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग हो चुके हैं रेडी और अभी बज रहा है 7:45। सो मैं आपको बता दूँ, उस टाइम मैंने ब्लॉग किया था, उसके बाद मैंने अपना नेल पेंट चेंज कर लिया। कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जब मैंने नेल पेंट अपना चेंज किया, उसके जस्ट बाद मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, तो मैं उनसे बातें करने लग गई। उसमें टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। 7:30-7:30 बजे वो गए, फिर उसके बाद इनका फ़ोन आ गया, मतलब मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग रेडी हो, मैं रेडी होने लग गई। वो बोले मैं आ रहा हूँ बस, और फिर हम लोग चलेंगे मार्केट, थोड़ा सा सामान वगैरह लेना है और बाहर डोसा खाना है आज हम लोग को, विहान का मेन था। तो अभी अभी वो भी आ गए हैं तो मैं मिलाती हूँ आपको। ये देखिए आ गए हैं, से हेलो। सो बस ये भी फ्रेश होंगे, फिर हम लोग जाएंगे, मिलती हूँ आपसे मार्केट में। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ब्लॉग करने का कोशिश करूँगी।
भिटली दिखाती हूँ। सबसे पहले मुझे बिहार ने दे दिया है कि वो ये एरोप्लेन लाया है, और ये एक राखी थी पर बोल पीछे पड़ गया कि नहीं मुझे लेना है। मोटू पतलू दिख गया था इसमें, सो इसने ले लिया। इस तरह से है ये, इसने खुद ही राखी बांध दिया, वो भी राखी से पहले। सो मैं कुर्तियाँ लेकर आई थी कुछ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लो अपना एरोप्लेन। सो फ्रेंड्स मैं लेकर आई है इस तरह की ये कुर्ती है, ये फुल लेंथ कुर्ती है, काफ़ी बड़ी है ये। सो एक मैं ये लेकर आई हूँ, बिल्कुल सिंपल सी है, इस तरह का ये डिटेलिंग दी गई है, इस तरह का ये बटन है इसमें। सो सिंपल है, सो मुझे सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और पहन कर तो मैं आपको अपने ब्लॉग्स में दिखूँगी। और एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये येलो कलर की कुर्ती है। सो एक ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसका जो प्रिंट है वो बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। क्या फैब्रिक बोलेंगे उसको, मैं ये कॉटन कह लीजिए या मिक्स में थोड़ा सा कह लीजिए उस तरह का। ये पूरा कॉटन है, कॉटन ही टाइप का है ये, बहुत अच्छा सा कपड़ा है और बहुत क्यूट लगा मेरे को। इस पर भी ये बटन की डिटेलिंग दी गई है, इसमें बहुत छोटे छोटे से बटन है। ये भी फुल लेंथ है, गाउन कह लीजिए उस टाइप का, काफ़ी घेर है इसमें। और एक मैं ये लेकर आई हूँ इस तरह का ये कुर्ता, ये इसमें ये इस तरह की डिटेलिंग दी गई है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, और इसका कुछ कपड़ा, इसका भी कपड़ा बहुत प्यारा सा है, सॉफ्ट एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कपड़ा। और इसके बैक में भी इस तरह की डिटेलिंग दी गई है, आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। सो ये मैं लेकर आई थी, लॉन्ग है सा तीनों ही, मैं लॉन्ग में ही लेकर आई थी तो थोड़ा। और दो सूट मैं बिहान के लेकर आई थी, एक्चुअल में बिहान का भी थोड़ा हाइट बढ़ गया है ना, तो उसको कपड़े थोड़ा छोटे पड़ने लग गए हैं, तो स्कूल में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक ये मैं एक सूट लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, कॉटन में है ये तो, और इसका जो नेकर है वो भी कॉटन ही है, जीन्स फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है, थोड़ा मोटा है, तो इस तरह से इसका नेकर है। बिहान के स्कूल में वेनसडे को होता है, कोई ना कोई कलर डे होता है, तो उस हिसाब से मैं लेकर आई थी। एक है ये, इसमें ये बहुत अच्छा है, ये इस तरह का ये लगा हुआ है स्टिकर, ये बहुत प्यारा है, और इसमें ब्लैक कलर का ये निकर है, ये भी बहुत प्यारा है, सॉफ्ट सा कपड़ा है, कॉटन है। सो मैं यही सब लेकर आई थी, और विहान की एक मैं लेकर आई थी बॉटल विहान की टूट गई थी जो उसकी स्कूल में चल रही थी, तो मैं ये मिल्टन की ये बॉटल लेकर आई हूँ। मुझे मिल्टन की मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी पर मिल ही नहीं रही थी यहाँ पर, सो अब मुझे मिल गई, हाँ तो मैंने ले लिया। इस तरह से है ये, तो ये एक बॉटल लेकर आई थी, बस यही सब लेकर आई थी। और हस्बैंड जी ने आज तो मतलब गुस्सा भी नहीं किया, और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, डोसा खाकर आए थे हम बाहर जैसे आपने देखा था। और फ्रेंड्स जिस उसमें रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट नहीं, जिस जगह पर हम गए थे डोसा खाने, उसके यहाँ का डोसा बहुत फेमस है। और फ्रेंड्स इतने बड़े बड़े उसमें रेस्टोरेंट में हम डोसा ट्राई कर चुके हैं, पर उसके यहाँ का डोसा जैसा कोई डोसा मिलता ही नहीं है।
मुझे वहाँ का डोसा बहुत पसंद है, मुझे नहीं मुझे मेरे हस्बैंड को भी वहाँ का डोसा बहुत पसंद आता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही लेकर आई थी। और बिहार को 15 अगस्त के लिए एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा इसके स्कूल में, तो उसके लिए एक ड्रेस चाहिए था, तो मैं वो बुक करके आई थी। तो बस यही सब लेकर आए और ऐसे ही हमने अपने संडे को मनाया। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत छोटू सा है आई नो। कल मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, और मतलब पिछले कुछ ही दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से वही अपना रूटीन में आ जाऊँ और डेली एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं डालूँ। सो आई रियली होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा छोटू सा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। हमारे 200 फ्रेंड्स हो गए हैं अभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, और ऐसे ही जुड़ते रहिए, ऐसे ही जल्दी जल्दी फ्रेंड्स बनते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स जो भी आप मुझसे नए जुड़ते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताया कीजिए कि आप मेरे न्यू फ्रेंड हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। और क्या आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं सोच रही हूँ आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों का एक सेगमेंट ऐसा क्या करूँगी, कुछ कमेंट्स जो होते हैं वो मैं अपने वीडियोस में इंक्लूड करूं। आप लोग मुझे जो प्यार देते हैं उसको थैंक यू बोलने के लिए मैं आप लोगों के कमेंट्स इसमें पढूं। आपका क्या सोचना है तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मुझे अपने में क्या इंक्लूड करना चाहिए अपने वीडियोस में, और कैसे मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करूं, तो वो आप मेरे को बोल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, कीप ऑन, मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी कि आप सभी को पसंद आए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक यू मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।